हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने कल के वीडियो में GDS 2 PA SA एंड पोस्टमैन MTS एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज भी हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आज के भी हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में है। हमने कल के वीडियो में लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन ऐसा था कि EPP कहाँ बुक किया जा सकता है। तो उसका सही आंसर था ऑप्शन सी, सभी स्पीड पोस्ट सेंटर में EPP बुक किया जा सकता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पीड पोस्ट पत्र में अधिकतम वजन कितना भेजा जा सकता है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 35 किलो। स्पीड पोस्ट पत्र में अधिकतम वजन 35 किलो भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल को वापस बुलाने के लिए आवेदन सुरक्षित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 साल। आर्टिकल को वापस बुलाने के लिए आवेदन सुरक्षित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े आकार के ग्रीटिंग पोस्ट कार्ड की कीमत क्या है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बड़े आकार के ग्रीटिंग पोस्ट की कीमत है 17 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभागीय डाकघर में मुद्रा नोटों के अलावा अन्य बीमाकृत पत्र के लिए अधिकतम सीमा क्या है। विभागीय डाकघर में मुद्रा नोटों के अलावा अन्य बीमाकृत पत्र के लिए अधिकतम सीमा क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 लाख रुपये। अगर मुद्रा नोट साथ में होते तो उसका सही आंसर होता ऑप्शन ए, 20,000 होता, लेकिन ये मुद्रा नोट के अलावा है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड पोस्ट पत्र के लिए POD शुल्क कितना है। स्पीड पोस्ट पत्र के लिए POD शुल्क कितना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कार्यालय में दार्शनिक जमा खाता है। किस कार्यालय में दार्शनिक जमा खाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिलाटेलिक ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी संग्रहकर्ताओं के लिए विदेशी डाक टिकट जमा करने की सुविधा कहाँ उपलब्ध है। विदेशी संग्रहकर्ताओं के लिए विदेशी डाक टिकट जमा करने की सुविधा कहाँ उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई जीपीओ में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, मीडिया पोस्ट में अंतर्देशीय पत्रों पर कौन सी भाषाएँ छपी है। मीडिया पोस्ट में अंतर्देशीय पत्रों पर कौन सी भाषाएं छपी है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्षेत्रीय और अंग्रेजी। कौन सी भाषाएं छपी है, क्षेत्रीय और अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिस्टिक पोस्ट के माध्यम से किस प्रकार के आइटम भेजे जा सकते हैं। लॉजिस्टिक पोस्ट के माध्यम से किस प्रकार के आइटम भेजे जा सकते हैं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पार्सल का सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने का वार्षिक शुल्क क्या है। पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने का वार्षिक शुल्क क्या है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 150 रुपये। अगर ये पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स साथ में होता तो इसका सही आंसर होता 250 रुपये, लेकिन ये सिर्फ पोस्ट बॉक्स पूछा है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 150 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण पार्सल जो कि अनरजिस्टर है के लिए अधिकतम वजन सीमा क्या है। एक साधारण पार्सल जो कि अनरजिस्टर है, अपंजीकृत है, के लिए अधिकतम वजन सीमा क्या है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 किलो। अगला क्वेश्चन, इंडियन पोस्टल ऑर्डर ₹100 की बिक्री के लिए कमीशन क्या है। इंडियन पोस्टल ऑर्डर ₹100 की बिक्री के लिए कमीशन क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के लिए एक साथ वार्षिक शुल्क क्या है। पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के लिए एक साथ वार्षिक शुल्क क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्देशीय पंजीकृत पार्सल के लिए पुनर्निर्देशन शुल्क क्या है। अंतर्देशीय पंजीकृत पार्सल के लिए पुनर्निर्देशन शुल्क क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रारंभिक डाक का 50%। पुनर्निर्देशन शुल्क कितना है। तो उसका सही आंसर है प्रारंभिक डाक का 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक पंजीकृत पत्र के पावती के लिए शुल्क क्या है। एक पंजीकृत पत्र के
पावती के लिए शुल्क क्या है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पत्र का अधिकतम वजन है, एक पत्र का अधिकतम वजन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 kg। एक पत्र का अधिकतम वजन है 2 kg। अगला क्वेश्चन, एक पंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन क्या है जिसे विभागीय डाकघर में बुक किया जा सकता है? एक पंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन क्या है जिसे विभागीय डाकघर में बुक किया जा सकता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 kg। उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभागीय डाकघर में बुक किए गए वीपी पत्र की अधिकतम सीमा क्या है? विभागीय डाकघर में बुक किए गए वीपी पत्र की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक पोस्ट का अधिकतम वजन कितना है? बुक पोस्ट का अधिकतम वजन कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 kg। बुक पोस्ट का अधिकतम वजन 5 kg हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किए जाएंगे, ये पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। तो इसका ऑप्शन ए है, सभी लेखे जिनमें लेखनीय पत्र और मनी ऑर्डर शामिल है। ऑप्शन बी है, केवल पत्र मेल के पूरी तरह अनरजिस्टर पत्र। ऑप्शन सी है, केवल पत्र मेल के रजिस्टर पत्र पूरी तरह से भुगतान किए गए और पत्र के मेल के पार्सल पत्र और पार्सल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पत्र मेल का पूरी तरह से पंजीकृत लेख यानी कि जो अनरजिस्टर मेल है वही पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाखा डाकघर में बीमाकृत पत्र के लिए अधिकतम सीमा क्या है? शाखा डाकघर में बीमाकृत पत्र के लिए अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 600 रुपये। अगला क्वेश्चन, पोस्टपेड के साथ पोस्टकार्ड 25 पैसे का वितरण निम्नानुसार किया जाता है। पोस्टपेड के साथ पोस्टकार्ड 25 पैसे का वितरण निम्नानुसार किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 रुपया। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष पोस्ट के तहत पोस्ट किए जाने वाले पत्रों की न्यूनतम संख्या कितनी है? प्रत्यक्ष पोस्ट के तहत पोस्ट किए जाने वाले पत्रों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1000। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1000 रुपये। तो फ्रेंड्स, हम बाकी के क्वेश्चन कल के वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।